Hello everyone welcome to the new lesson on the course which is about the light of class 10th physics this course is presented by me lovely kumari you can read more me from here you can also rate review recommended and share the lesson if you liking them you can also subscribe crash foundation आप लोगों को इस लेसन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैं इस लेसन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए ताकि कभी भी एग्जाम टाइम या कभी भी जब आप इस लेसन को रिवाइज करना चाहें आप आसानी से कर सकते हैं वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पी डाल दूँगी ठीक है इन दिस लेसन वी आर स्टडी अबाउट बेसिक ऑफ लाइट इस लेसन में हम लोग सबसे पहले लाइट का बेसिक प्रॉपर्टी बेसिक जो भी चीज़ है उसको पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि लाइट जो है लाइट का सोर्स क्या है लाइट का स्पीड क्या है लाइट कैसे ट्रैवल करता है ये सब चीज़ इसका पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टी इन शॉर्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लाइट का सोर्स क्या क्या है ठीक है तो हम लोग लाइट इस चैप्टर को एकदम अच्छे से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से ठीक है वी ऑल आर फेमिलियर विथ लाइट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट हम लोग पहले से ही लाइट के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं ठीक है थीके? उसका इम्पॉर्टेंस क्या है इसके बारे में कुछ ना कुछ तो पहले से हम लोग जानते ही हैं लाइट इज सच एन इम्पॉर्टेंट सोर्स डेट विदाउट इट ऑल कलरफुल थिंग्स वुड हैव बीन ब्लैक फॉर अस हम लोग जानते हैं कि हम लोग का इन्वामेंट जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वामेंट है बट ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास लाइट है ठीक है हमारा इन्वामेंट हमारा वर्ल्ड जो है बहुत ही खूबसूरत है बट अगर लाइट ही ना हो तो इस खूबसूरत वर्ल्ड को हम लोग देख नहीं पाएंगे ठीक है तो लाइट जो है समझ आया कितना इम्पॉर्टेंट है लाइट नहीं है तो हमारा जो इतना वंडरफुल इतना ब्यूटीफुल जो हमारा इन्वामेंट है उसको इन्जॉय नहीं कर पाएंगे सो लेटेस्ट सी हाउ वी कैन डिफाइन सच एन इम्पॉर्टेंट सोर्स तो हम लोग लाइट को डिफाइन करते हैं अब अब पता चल गया कि लाइट कितना इम्पोर्टेंट है तो हम लोग को लाइट को डिफाइन करने का जरूरत है अब लाइट को डिफाइन करते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट इनेबल्स अस टू सी अराउंड अस और वी कैन सी डैट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डैट कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम एज वेल एज थ्रू वॉक्यूम क्या कह रहा है कि लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है ठीक है जो कि जितना भी चारों ओर जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ प्रेजेंट है उसको देखने में मदद करता है लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रैवल करता है कोई भी मीडियम में मीडियम कहने का मतलब जैसे कि वाटर हो गया ग्लास हो गया एयर हो गया ये सबको हम लोग मीडियम बोलते हैं ठीक है लाइट जो है वाटर में भी ट्रैवल करता है ग्लास में भी ट्रैवल करता है एयर में भी ट्रेवल करता है ठीक है और वॉक्यूम में भी ट्रैवल करता है वॉक्यूम मतलब कहने का मतलब एबसेंस ऑफ एयर नाउ नेक्स्ट लाइट के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं ठीक है लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट अभी हम लोग जाने कि लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि जो भी इन्वामेंट में जो भी हमारे चारों ओर रखा हुआ है उसको देखने में हेल्प करता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन लाइट हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट इज थ्री इंटू टेन का पावर एट मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है थ्री इंटू टेन का पावर एट मीटर पर सेकेंड आप लोग साथ में नोट्स बनाते जाइए ठीक है वैन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट इट रिफ्लेक्टेड द लाइट एंड वेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज आवर आइज देन वी सी द ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं कि जब लाइट जो है कोई भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के हम लोग के आँखों तक पहुँचता है तब हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है सपोज डैट ये एक रूम है रूम में ये लाइट का सोर्स है मतलब कि बल्ब है और यहाँ पे एक चेयर रखा हुआ है अब ये चेयर हम लोग को कैसे दिखेगा ये जो लाइट का सोर्स है इससे लाइट रे इस, इस चेयर पे पड़ा ठीक है ये लाइट रे इस पे पड़ा और ये हम लोग का आई है ठीक है फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट रे जो है वो हम लोग के आंखों तक आया तब ये जो चेयर है जो हम लोगों को विजिबल हो पाता है मतलब कि दिख पाता है ठीक है अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दे आर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स का ऑब्जेक्ट होता है टू टाइप्स का किस बेसिस पे इमिशन ऑफ लाइट के बेसिस पे ठीक है देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इमिशन ऑफ लाइट ठीक है लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे पहले मैं रीड कर देती हूँ फिर उसके बाद उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ ठीक है दे आर दोज विच हैव देयर ऑन लाइट वी कैन सी देम एज दे हैव देयर ऑन लाइट क्या कह रहा है कि जो है जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है ठीक है उसको लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं ठीक है जैसे कि सन हो गया सन के पास खुद का लाइट है ट्यूबलाइट हो गया ठीक है उसके पास खुद का लाइट है फॉर एग्जाम्पल वी हैव सन ट्यूबलाइट ये सब जो है जिसके पास खुद का लाइट होता है उसको बोलते हैं लूमिनियस ऑब्जेक्ट फिर एक पॉइंट और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट इट शुड पोजेज लाइट नेचुरली देखिए सन के पास तो नेचुरली अपना खुद का लाइट है लेकिन ट्यूबलाइट क्या ट्यूबलाइट के पास अपना खुद का लाइट नहीं है उसमें शेल या फिर बैटरी लगाना पड़ता है ठीक है तब वो लाइट देता है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्यूबलाइट कहाँ से हो गया लुमिनियस ऑब्जेक्ट ये मायने नहीं करता इफ़ एनी सबस्टांस ग्लो ऑन पासिंग करेंट डैट अल्सो फॉल अंडर द सेम कैटेगरी कहने का मतलब है या तो उसमें बैटरी लगाएं या फिर करेंट पास करवाएं लेकिन फिर भी करेंट पास करवाने के बाद या बैटरी लगाने के बाद भी अगर वो हम लोग को लाइट दे रहा है तब वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाएगा ठीक है अब आगे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट एक बार रीड कर देती हूँ फिर उसके बाद उसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ दे आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट ना हो अभी लुमिनियस में हम लोग पढ़े थे जिसके पास खुद का लाइट हो नॉन लुमिनियस जिसके पास खुद का लाइट ना हो बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट ठीक है सो इफ देयर इज नो लाइट वी कांट सी देम इसके पास खुद का लाइट नहीं होता है इसीलिए हम लोग इसको नहीं देख पाते हैं टू सी वी नीड अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट अगर नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम लोग को किसका हेल्प लेना पड़ेगा लुमिनियस ऑब्जेक्ट का लुमिनियस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्नीचर हो गया वॉल हो गया मून हो गया चेयर हो गया ये सब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग देख पाते हैं किसके हेल्प से लुमिनियस ऑब्जेक्ट के हेल्प से ठीक है अब आगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट अब किसके बेसिस पे प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बेसिस पे जो है देयर आर थ्री टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है थ्री कैटेगरी में बांटा गया है किसके बेसिस पे प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बेसिस पे, पे ठीक है जैसे पहला ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दूसरा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट तीसरा ओपेक ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वैसा हो गया लाइट कैन पास इस ईजिली जैसे कि कोई ये है हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिससे जब लाइट पास करवाएंगे तो उससे ईजिली सारा लाइट ऑल लाइट जितना भी लाइट है वो पूरा पास हो जाए उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इसका एग्जाम्पल क्लियर प्लास्टिक वाटर ग्लास ये सारा हो जाएगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्ज़ाम्पल ठीक है अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट लाइट कैन पास पार्शियली पार्शियली कहने का मतलब जो है देखिए ये है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इससे जब लाइट पास करवाएंगे तो पार्शियली लाइट पास करेगा पार्शियली मीन्स कुछ लाइट पास करेगा कुछ लाइट पास नहीं करेगा मान लीजिए हंड्रेड परसेंट अगर हम लोग लाइट भेज रहे हैं तो अप्रॉक्स फोर्टी परसेंट जो है वो लाइट पास करेगा और सिक्सटी परसेंट लाइट पास नहीं करेगा थर्ड वन ओपेक ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास ओपिक ऑब्जेक्ट से लाइट थोड़ा भी पास नहीं करेगा ठीक है जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया वुड मेटल इससे लाइट थोड़ा भी पास नहीं करेगा तो गाइज आप लोग को कोई प्रॉब्लम इस वीडियो में नहीं अब आगे अगर आपको कोई भी थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप बोल सकते हैं कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी चीज़ जो समझ नहीं आया है एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ लाइट फॉलिंग ऑन अ सर्फेस में स्ट्राइक द सर्फेस एंड बाउंस बैक दिस स्ट्राइकिंग एंड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज़ कॉल्ड रिफ्लैक्शन देखिए रिफ्लैक्शन क्या होता है जस्ट ये एक वॉल है यहाँ पे इंसिडेंट रे गया फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस बैक जो लाइट लाइट रे हो वो रिफ्लेक्ट कर गया इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन इसको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ सपोज डैट ये एक वॉल है यहाँ पे कोई बॉल हम लोग स्ट्राइक किए जब भी दीवार पे हम लोग बॉल को स्ट्राइक करते हैं तो बॉल जो क्या करता है बाउंस बैक फिर से वापस आ जाता है तो इसी को बोलते हैं रिफ्लैक्शन ठीक है देखिए रिफ्लैक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल रिफ्लैक्शन का कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है जब हम लोग मिरर पे अपना इमेज देखते हैं जब ड्रेसअप करते हैं या फिर कॉम्ब करते हैं तब ये सब जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है होता है ठीक है नेक्स्ट लेशन वी आर स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन ओके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बाय